नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, आपको बताएं, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपनी पार्टी का दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें से 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। हालांकि ये बात वो पहले भी कहते हुए नजर आए, जब अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो जाते हैं तब भी यही बात कहते हैं और यही कारण है कि मायावती के साथ उनका गठबंधन होते होते रह जाता है। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मायावती की खुलकर तारीफ करते हैं और यह भी कहते हैं कि 25 सालों तक हमने एक दूसरे के साथ काम किया, जो मेरा अनुभव था उनकी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा था। वही माना यह जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से कुशीनगर सीट पर उतरे हैं, जिस दमखम के साथ उतरे हैं, इस बार कुशीनगर सीट वो जीत लेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि वहां पर चुनावी प्रचार के लिए चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल भी पहुंचते हैं, लेकिन उसका भी कोई खासा फायदा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब फिर से माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से ये बात अपनी रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे या मायावती का एक बार फिर से साथ लेते हुए नजर आएंगे? अब जी हां, जिस तरीके से पूरी अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, माना यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो मायावती की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और इस बार मायावती भी अपना जनाधार बचाने के लिए स्मार्ट मूव ले सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर साथ खड़ा है, वही कहीं ना कहीं मायावती पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन के साथ कर सकती है। अब यह गठबंधन होगा, कौन सा पद दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इस पर तो अभी बात चली रही होगी, लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए समीकरण तो बात करेंगे संगमित्रा मौर्य की, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, दो बार बदायूं में सांसद रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती है बदायूं सीट से, वो प्रत्याशी उनका हार जाता है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी तंज कसते हुए नजर आए, टिकट ना मिलने पर संगमित्रा मौर्य भी रोते हुए नजर आई थी और ये बात कहते हुए नजर आई थी कि कहीं ना कहीं उनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य उसके लिए फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसे कायराना हरकत मेरी बेटी नहीं कर सकती है और इसके लिए मैं आराम से बात करूंगा। शायद इस बार यही कहा जा रहा है कि अब संगमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही दामन छोड़ सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी भी संगमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन जिस तरीके से अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अपर्णा यादव जिस तरीके से पार्टी से नाराज चल रही थी, वही संगमित्रा मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह, वरुण गांधी, ऐसे तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। क्या संगमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी, उनकी जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी अपनी निभाई दो बार की वो सांसद रह चुकी हैं, क्या इस बार भी उनको रोक कर रखना चाहेगी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रेशर में आकर संगमित्रा मौर्य भी कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं? वो पार्टी क्या मायावती की होगी? मायावती भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ संगमित्रा मौर्य को भी कोई जिम्मेदारी देती हुई नजर आएंगी या चंद्रशेखर आजाद उनको बड़ा मौका देते हुए नजर आएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।